बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गंदली का सरबराह नवाज शरीफ सिरे पाए वाली सरकार को ये बोलते शर्म न आई कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो मदीना रियासत के अलमबरदार बने हुए हैं, इनका अपना इद्दत निकाह के मामले का ये हाल है। वो बेशर्म इंसान अपने गिरेबान में झांककर देख अपनी बेटी के करतूत भूल गया और आपकी अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा जुबैर उमर की वो वीडियो तो भूल गया जो पूरी दुनिया ने देखी। भूल गया तो दोबारा देख, तुमको याद करवा दूं। जब शराफत के कपड़े उतरते हैं, सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। इमरान खान को चाहने वाले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब जानते हैं कि जुबैर फरीदा फारूकी के साथ रंग रलियां मना रहा था और ये भी जानते हैं सब कि ये वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरी बेटी मरियम नवाज उर्फ नानी है। ना सिर्फ बनाने वाली बल्कि इसे लीक करने वाली भी तेरी बेटी ही है। तेरी बेटी के काम यही है लोगों की वीडियो बनाना और इनको ब्लैकमेल करना, जैसे तुम लोगों ने जुबैर को किया। शायद तेरी अपनी बेटी की गैराज वाली वीडियो कंपनी के पास है, इसी वजह से तुम लोग कंपनी के काने हो। यहाँ नून लीग के रहनुमाओं का ये हाल है कि सुबह अपनी बीवी को तलाक देते हैं और शाम को किसी मौलवी को पैसे देकर सर्टिफिकेट ले आते हैं कि तलाक नहीं हुई, ताकि जायदाद का बंटवारा ना हो सके। मोहम्मद जुबैर गवर्नर होते हुए फरीदा फारूकी के साथ रंग रलियां मनाता रहा था जिसकी वीडियो लीक हो गई थी, लेकिन बेशर्मी से जुबैर टीवी पर आता रहा। फरीदा फारूकी बड़े फख्र से टीवी पर आके बैठती है। ये सब देखकर कायद अजम और अल्लामा इकबाल की रूहें तो आलम बाला में तड़पती होंगी। यहाँ चोर के लिए सजा नहीं है, जालिम के लिए सजा नहीं है, कातिल के लिए सजा नहीं है। पुलिस के अफसर से जबरदस्ती इसकी बीवी को तलाक दिलवा के से शादी कर लेने पर सजा नहीं है। शादी के 4 माह बाद बच्चा पैदा कर लेने पर सजा नहीं है। जो सजा है तो इमरान खान पर जिसने एक तलाक याफ्ता से शादी की और ये भी कन्फर्म है कि बुशरा बीबी को तलाक हो चुकी थी। सजा इस बात पर दी गई कि औरत ने इद्दत पूरी नहीं की, जबकि हमारा मजहब ये इख्तियार सिर्फ औरत को देता है, सिर्फ और सिर्फ औरत को, कि वो बताएगी कि इद्दत पूरी हो गई है कि नहीं। अब औरत के सबका शोहर खाबर मानिका को कंपनी दबाव का शिकार हुआ, कंपनी ने उस पर दबाव डाला, थ्रेट किया और इसे 6 साल बाद फिर याद आ गया कि जी इद्दत तो पूरी हुई नहीं थी, और इस पर पाकिस्तान की अदलिया इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद सजा देती है, जो कि मजहब इस्लाम की 1400 साल तारीख का वाहिद केस है। एक नहीं बल्कि बहुत से मुफ्तियाने कराम ने फतवा दे चुके हैं कि ये सजा किसी तौर पर भी कानूनी और शरई नहीं है।